दी उम्मत दा एक बहुत बड़ा अल्लाह दा वली और बहुत बड़ा आलिम और अल्लाह दा बहुत बड़ा आशिक तुर्की च उन्हां दा मज़ार है। उम्मत उन्हां नूं मौलाना रूम दे नाम दे नाल जानदी। जलालुद्दीन उन्हां दा नाम हा। उन्हां दे सीने च रब दी मुहब्बत ते रब दे इश्क दी अग इतनी तेज आई कि तुर्की दे अंदर जलजले आउण लग पए, रुक नहीं रहे। किसी बंदे अरज कीती, हुजूर ए जलजले के चांदे ने, ए जमीन कम कम के मुतालबा कर दी पई। ओ फरमान लगे, ए जमीन तर लुकमा चांदी, ऐसा गिरा जेड़ा तर होवे, तर गिरा चांदी। ए बात कीती, चंद मिनट तो बाद मौलाना रूम दा विसाल हो गया। जमीन दे विच दफन होए, जमीन नू सकून आ गया। ये उन्ना हस्तियां चो है, दर्स दे रहे, सबक पढ़ा रहे। अल्लाह दा एक दीवाना, इन्हां दे सीने च रब दी मरफत दी खुशबू रखण वास्ते आ गया। उसने पता नहीं किस अंदाज नाल मौलाना रूम नू वेख्या, दिल दी दुनिया बदल गई। ओ हुण बंदा अगे अगे मौलाना रूम पिछे पिछे। काफी देर टुरन तो बाद ओ दीवाना आखदा, मेरे को लोके लभ दियो, मेरे को लोके ढूंढ दियो, या मेरे को लोके कढ दियो। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, तुसी आलिम ए दीन हो, तुसी मुफ्ती ए वकत हो, तुसी अजल मुदर्रिस हो। उस वकत दा बादशाह खुवारज़म उस दा नां, मौलाना जलालुद्दीन रूमी उदे सक्के दोतरे आन। और उस जमाने दे अंदर जेड़ी तनखा मुल्क दे वजीर आजम दी हाई, ओ इस दीनी मदरसे दे उस्ताद दी हाई। इतने स्टेटस दा बंदा ते इतनी शान दा बंदा उस दीवाने दे पिछे पिछे टुरदा। ओ फरमांदा, दीवाना फरमांदा, मेरे को लोके कढ दियो। ए मौलाना रूम शायर नान, लेकिन उस बंदे ने एक ऐसी तीली ला छड़ी आई कि ओ जेड़ी अंदर दी कैफियत ते अंदर दी मस्ती ओ लफ्जां च शेरां दी शक्ल विच लबां ते आउण लग पई। उस जिस वक्त पूछे ना, मेरे को लोके लभ दियो, मौलाना रूम ने पहला शेर जेड़ा पढ़िया, ओ ए वे बुए मैरा गर कसे मकनू कुनद, बुए मैरा गर कसे मकनू कुनद, चश्मे मस्ते खेश तन रा चूं कुनद। शराबी अगर शराब दी बो लुकाउणा चाहे, कदी सिपारी खा लैसी, कदी लाची खा लैसी, कदी और कोई खुशबू वाली शय खा लैसी, ता जे दुनिया नूं पता ना लगे कि इस शराब पीती हुई, पर अखां दी मस्ती तो नहीं ना छुपा सकता। ए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ चूंकि पुराने बंदे ते निस्बत आले बंदे वडेरे बंदे विच बैठे, इस वास्ते उन्हां दा लिहाज करदे होया मैं गल इत्थों छेड़दा पिया कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजूर दी शान, हजूर दी इज्जत, हजूर दे वकार ते हुजूर दे मरतबे नूं एक मिसाल दे जरिए समझाउण दी कोशिश करदे। आप फरमांदे, एक शहर विच त्रै चार नाबीने लोग रहंदे आन, उस शहर विच हाथी आ गया। हाथी आया, जितने भी अखां आले ओ हाथी वेखण तुर पै बई, एक नवी शय आ गई, अजूबा आ गया। जानवर जेड़ा जंगलां च रहंदा ओ शहर विच आ वड़िया। वेखिए सारा दुनिया, सारी आवाम, सारी मखलूक तुर पई। उन्हां नबी ने आखिया, असी भी हाथी ने वेखिए। समझ आ रहा? ओ भी त्रै चार नबी ने तुर पए कि असा हाथी ने वेखना, जाके हाथी दे आस पास होके वापस आ गए। कोई बंदा पुछया, भाई असा तो जिन्हां नूं अखां रब दित्तियां होईयां, असा तो हाथी ने वेखिया, असा उन्हूं से जाणिया, असा उन्हूं पहचाणिया, असा उदा कद वेखिया, असा उदी सूंड वेखी, असा उदी दुम वेखी, असा उदी मुटाई वेखी, असा उदा हुजम वेखिया, असा उदियां अखां वेखिया, तुसी के वेख के आयो? सुभान अल्लाह। मौलाना रूम फरमांदे, हर नबीने ने अपने अपने हिसाब विच हाथी दी तारीफ कीती।
हर नबीने ने अपने अपने हिसाब विच हाथी दी तारीफ कीती। क्यों? जिस नबीने दा हाथ हाथी दे पट्टां ते लगा, लत्तां ते लगा, उस आखिया हाथी इंज आउंदा जिवें थम्मा आउंदा। जिस दा हाथ हाथी दे पूछल ते लगा, उस आखिया हाथी इंज आउंदा, हाथी इंज आउंदा जिवें रस्सा आउंदा। इंजे ना, जिस दा हाथ हाथी दे सूंड ते लगा, उस आखिया हाथी इंज आउंदा जिवें सोटा आउंदा। मौलाना रूम ये गल समझा के ते ए मिसाल दस के हुजूर दी शान दसना चाहते हैं कि जिस बंदे ने हजूर नू जितना समझिया, हजूर नू जितना जानिया, हजूर नू जितना पहचानिया, बस उदे मुताबिक गल कर छड़ी, वरना हजूर दी जात ता ओ जात है कि सैयदुना सिद्दीक अकबर जै जने नू अल्लाह दा नबी फरमैंदा पिया कि या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर हकीकत दे एतबार नाल मेरे रब तो वखरा मैनू कोई भी नहीं पहचान। असां नहीं जानते कि रब करीम ने हजूर नू कितनियां इज्जतां दित्तियां, कितनियां शानां दित्तियां, कितने मरतबे दित्ते। दुनिया दे पल्ले तां इस हवाले नाल कुछ भी नहीं। दुनिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात दे हवाले नाल, हजूर दियां शानां दे हवाले नाल, हजूर दे कमालात दे हवाले नाल एक घंटा भी नहीं बोल सकदी। दुनिया हजूर दी शानां दे हवाले नाल एक घंटा भी नहीं बोल सकदी। बाला कोई पहाड़ ढावे, बाला कोई बड़ा काम च करे तो आखे जी हजूर साढ़े यार सौंदे भी आन, हजूर साढ़े यार खाउंदे भी आन, हजूर साढ़े यार पींदे भी आन, हजूर साढ़े यार टुरदे भी आन, हजूर साढ़े यार शादी भी फरमाई आई, हजूर दी औलाद भी होई आई, हजूर जंगत जाके जख्मी भी होए आन, हजूर जंगी लिबास भी पाए आन, हजूर कारोबार भी कीते आन। ये हजूर दियां शानां बयान होंदियां पईआं, लेकिन की हो गया जिन्हां दे सीनियां च हजूर दी मुहब्बत दे दीवे बल्ले और जिन्हां दे दिलियां दे विच हजूर दे प्यार दे बाग उगे और जिन्हां दे दिल ते दिमाग हजूर दी मुहब्बत दे नाल समझ होए, उन्हां हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तारीफ करन दा हक अदा करना तां दूर दी गल है। उन्हां जितनी भी तारीफ कीती, हजूर दियां जितनी भी शानां बयान कीतियां, सारी जिंदगी हजूर दियां इज्जतां ते शानां बयान करन विच लगा छड़ियां। अखीर ए आखिया कि असां तां हजूर दी इज्जत अजमत ते शान दे हवाले नाल एक लफज भी ना बोल सके। मोहतरम तनवीर साहब एक उसे आशिक दा शेर थोन सुना रहे हैं ना, तेरे तो वसफ ऐबे तनाही से है मरी, तेरे तो वसफ ऐबे तनाही से है मरी। देखो ना, तनाही दा मैना उन्दा इंतहा, इंतहा दा मैना उन्दा इख्तिताम, इख्तिताम दा मैना उन्दा एंड, एंड दा मैना उन्दा मुक जाना। इंजे ना, तनाही दा माना मुक जाना, ते ए मुक जाना ऐबे, मुक जाना ऐबे, ते ना मुकना ए कमाल है। मुक जाना ऐबे, ना मुकना ए कमाल है। और तवज्जो चाहना, रब्बे करीम फरमांदा कुल्ला यौमिन होवा फी शान, कुल्ला यौमिन होवा फी शान। तवज्जो, अल्लाह फरमांदा मेरी ए शान है कि हर रोज मैं नवी तजल्ली लेके, नवी शान लेके, नवा कमाल लेके, नवा वकार लेके, ते नवा जमाल लेके कायनात दे अंदर जलवागर होना। रब ने अपनी शान बयान कीती। दुनिया तक जुमला आंदा ही कोई नहीं, दुनिया तक गल कर ही नहीं सकती हजूर दे बारे, लेकिन जिन्हां दे दिमागां नू रब करीम ने हजूर दी मुहब्बत दे नाल आबाद कीता, ते जिन्हां ने सीनियां नू रब करीम ने सरकार दे प्यार दे नाल आबाद कीता, ओ फिर कित्थों कित्थों जाके नुक्ते कट के ले आउंदे। फरमाया कुल यौमिन होवा फी शान, ए रब दी शान है। अल्लाह फरमांदा मैं रोज नवी शान लैके, नवा कमाल लैके, ते नवा जमाल लैके
ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾ ਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੋ ਖੈਰੁਲ ਲਕਾ ਮਿਨਲ ਉਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਪਿਛਲੀ ਘੜੀ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਪਿਛਲੀ ਘੜੀ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲਹਜ਼ਾ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਲਮ੍ਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਸਫ ਤੋਂ ਹੈ ਬੇਤਨਾਹੀ ਸੇ ਹੈ ਮਰੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸਫ ਐਬੇ ਤਨਾਹੀ ਸੇ ਹੈ ਮਰੀ ਆ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਬ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸਫ ਐਬੇ ਤਨਾਹੀ ਸੇ ਹੈ ਬਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈਰਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਹੈਰਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸੈਯਦੁਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੌਣ ਨੋ ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਕੌਣ ਨੋ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਇੰਝ ਮੁਕੰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਰਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਇਤਨਾ ਭਰੀ ਵਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਓ ਤੇ ਬਿਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
हजूर दे कमालात दियां गल्लां करो, हजूर दी शानां दियां गल्लां करो, हजूर दे बाबरकत तज़करे करो, ते फतवा लग जांदा। दुनिया पुछदी वद्दी हुंदी कमले यार किस आयत चो साबित है, किस हदीस चो साबित है, साहबा कदा ने एक कम कीता। हजरत शेर खुदा साहबी रसूल नो करन लगा, वकत अपना भी ते मेरा भी बर्बाद करन लगा, ते ओ कम करन लगा जिदा सबूत ना कुरान विच ते ना हजूर दे फरमान विच। समझ आई गल? जरा सादा माहौल है ना, इस वास्ते जरा अपना लेवल थले दोस्तान अजी वकार। हजरत शेर खुदा ने नहीं फरमाया ना, हजरत शेर खुदा उस ईसाई की गल सुन के बड़े ढड होए, बड़े खुश होए, चूंकि रांझा राजी करन दा वेला आ गया ना, रांझा राजी करन दा वेला आ गया। ते यकीनी बात है, जिस वक्त यार दी गल होवे, यार दियां अदावां दी गल होवे, महबूब दे तज़करियां दी गल होवे, फिर तो जिसम दा अंग अंग महबूब दी तारीफ वास्ते जुबान बन जांदा। ये सच्ची मुहब्बत दा कानून ते असूल है। हजरत शेर खुदा ने फरमाया, बेलिया मैं हजूर दी केड़ी केड़ी अदा दा जिक्र करा, हजूर दी किस किस शान दा बयान करा, हजूर दे किस किस कमाल दा बयान करा। शेर खुदा चाना चाना ते बड़ी लंबी गल कर सकते हैं। तवज्जो, हजरत शेर खुदा नू सरकार दो आलम ने यमन दा गवर्नर बनाया। वह जिस वक्त वहन लगे, अरज की सोनिया उत्थे बरादरी भी कोई नहीं, उत्थे लगत भी कोई नहीं, उत्थे होर साहबा भी कोई नहीं, बंदा मैं परदेसी हाँ, वो मेरी गल किवें समझ सन, मैं उन्हां ते तेरी गल किवें अपड़े सा, कुरान दा पैगाम किवें अपड़े सा। सरकार दो आलम ने फरमाया, ना परेशान होने की लोड़ नहीं, इस मरज का इलाज भी मेरे कोल। रात दा वक़्त है, रात दा वक़्त है, हजूर दी कचहरी साहबा बैठे, हजूर अपने लबा चो फूल गिरा रहे, मैं कब से देख रहा हूँ तेरे होंठों की तरफ, मैं कब से देख रहा हूँ तेरे होंठों की तरफ, मेरे कासा है समात में कोई फूल गिरा दे। साहबा किराम एक कासे लेके हजूर दी कचहरी च हाजिर होंदे आन, ते लबां चो जेड़े फूल गिरदे पए होंदे आन, सुभान अल्लाह, साहबा उन्हां दी खुशबूआं दे नाल भी ते उहदे नूर नाल भी अपने दिलो दिमाग नूं मामूर कर रहे होंदे आ और मखमूर कर रहे होंदे आन। साहबा महफिल बरखास्त होई, हजूर फरमाया हुण चलो अपने अपने घर चलो। एक दो साहबी उन्हें एक ही पासे ही बहना, उन्हें अरज की, या रसूल अल्लाह चिर बड़ा हो गया, रात अनेरी छा गई, हुण जिस राह ते असां बहना उदे रिस्क भी है, खतरा भी है, अठुए भी हो सकते, सप भी हो सकते, कोई होर मूजी दुश्मन भी हो सकता, ते अनेरा बड़ा। सरकार दो आलम ने के कीता, एक सोटी नप्पी, सोटी नप्पी उस साहबी नू पकड़ाई, फरमाया ए रोशनी दा काम देसी, ए सोटी रोशनी दा काम देसी। ओ दोए साहबी सोटी नपदे, ओ चमक पई, ओ बैटरी यार बल पई, ओ रास्ते च ओ बैटरी बल दे नूर दी जा रहे, एक ऐसी जा आ गई जिथो दुआ वखरिया वखरिया आना, एक होर ही माल ले जाना, दूसरे दूजे माल ले जाना, एक दा होर रुख है, दूजे दा होर रुख है, उन्हां दी मुहब्बत ने यह फैसला दिता। उन्हें अकल तो कम नहीं लिया, उन्हें अपनी मुहब्बत को फैसला कराया, उन्हें आखिया जे इस सुकी हुई सोटी च नबी का हथ लगन नाल नूर आ सकता, तो ये दो टोटे कर लीए तो दूजा ते भी तो बैटरी बल सकती है। और उन्हां दा सिर्फ अटकल पच्चू ना, सिर्फ उन्हां दा अंदाजा ना, उन्हां दा सिर्फ क्यास ना, उन्हें उन्हें दो टूटे किते, वह भी बल रही तो वह भी बल रही। इस वास्ते नबी दे दर ते मायूसी नहीं है, नबी दे दरवाजे ते महरूमी नहीं है, ओ दरवाजा है और ओ दर है जिथे रब करीम ने कायनात दे हर मरज दा इलाज रख दिता। हजरत अजी वकार, तो हजरत सैयद शेख शेर खुदा हैदर करार अमीर उल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं परदेसी हाँ, उत्थे मेरी गल किवें सुनी सी समझी सी। फरमाया ना परदेस शरदेस कोई नहीं, मुस्लिम शरीफ की हदीस का जुमला मेरे नबी का फरमान है, और उसिल तू इलल खल्की काफ़ा, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, रब करीम ने मैं सिर्फ अरब दे वास्ते, सिर्फ हिजाज दे वास्ते, सिर्फ मक्का और मदीना दे वास्ते रसूल बना के नहीं भेजिया। फरमाया और रसूल तो तवज्जो भाई मेरी वाल, अगे सुर मेरी कोई नहीं, अगे शेर मैं कोई नहीं पढ़ने, ओ तनवीर साहब ने थोड़ा जौक पूरा कर दिता। बुजुर्गो तो उठना, उठ जाओ जी, उठना, तवज्जो मेरे वाल रखो सारी।
ایدے آ جاؤ توجہ اور رسل تو الخلق کافہ میرے نبی دا فرمان ہے کہ رب کریم نے اپنی ساری مخلوق وال میں رسول بنا کے بھیجا اے حضور دا اپنا جملہ مسلم شریف دا جملہ اور رسل تو الخلق کافہ اے علمی گل کرن لگا فنی گل کرن لگا بعض دوستاں نو شاید سمجھ نہ آوے لیکن ایدے پچھے سینکڑاں دلیلاں موجود نو اگر بخاری تے مسلم دا فنی لحاظ نال مقابلہ کیتا جاوے مسلم فنی لحاظ نال بخاری نالو بھی افضل ہے بخاری دا ایک مقام ہو رہے بخاری دی ایک شان ہو رہے ایک شان بخاری دی اے وے کہ اس نے راویاں دے بارے جڑیاں شرطاں لکھیاں او اور کسی محدث نے نہیں بیان کیتیاں اس واسطے او مضبوط ہو گئی دوسرا بخاری دی شان ہے بخاری دی ہر حدیث رب کریم دے کعبہ پاک دے سائے تلے حتیم وچ بہ کے حضرت امام بخاری نے لکھی تے ہر حدیث تو پہلے توجہ ہر حدیث تو پہلے حضرت امام بخاری نے دو رکعت نماز نفل پڑھی پھر اگلی حدیث لکھی تسی ہر گل ٹون دیو ہر گل ڈھونڈ دے ود دیو گل گل نال قرآن تے حدیث دیاں دلیلاں پوچھ دے ود دیو اتھے میں تھوڑے کولو ایک سوال ضرور کر کے جاواں گا تھوڑا دماغ میرے والا ہے نا میں نے صرف دماغ ہی چاہیے اور کسی شہیدی میں لوڑ ہی کوئی نہیں اور دماغ میں ضرور عطا کیتی رکھو ٹائم بھی ساڈا بڑا پورا جیا ہوندا بالا لمکاونا بھی کوئی نہیں میں عرض یہ کرن لگا امام بخاری نے بخاری شریف لکھی کعبہ شریف وچ لکھی حتیم وچ بہ کے لکھی ہر بخاری دی حدیث تو پہلے امام بخاری نے دوگانہ پڑھیا میں امام بخاری کولو پوچھن لگا ہے تھوان نال رلا کے امام بخاری صاحب کس حدیث وچ لکھے ہویا کس قرآن دی ایت وچ لکھے ہویا کہ تسی بخاری کعبہ شریف وچ بہ کے لکھو قرآن دی کس آیت وچ لکھیا ہویا حدیث کیڑی چ لکھیا ہویا کہ تسی بخاری حتیم وچ بہ کے لکھو امام بخاری صاحب اگلا میں تھوڑے کولو سوال کرن لگا مینو آیت وکھاؤ مینو حدیث وکھاؤ جس وچ اے لکھیا ہویا ہوے توجہ امام بخاری کولو میں پوچھن لگا تھوان نال رلا کے حقلیاں نہیں تاں جے گواہی پکی ہو جائے میں تھوان رلا کے پوچھن لگا امام بخاری صاحب مینو آیت وکھاؤ مینو حدیث لکھاؤ جدی وچ اے لکھیا ہوے کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعت پڑھو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی اگر امام بخاری کول ایت بھی کوئی نہیں کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعات پڑھنی ہیں امام بخاری کول حدیث بھی کوئی نہیں کہ حدیث لکھن تو پہلے دو رکعات پڑھنی ہیں نہ اللہ دا فرمان ہوئے نہ رسول اللہ دا فرمان ہوئے تے امام بخاری کردہ پہ ہوئے تسی انہوں رضی اللہ عنہ بھی آکھو انہوں رحمت اللہ علیہ بھی آکھو ادھی قبر نو سلام بھی کرو اس نو کروڑا سلام بھی کھلو دین دیا چولا نو کچھ بھی نہ ہوئے آج حضور دا ایک غلام اگر حضور دی محبت وچ حضور دا ذکر کر دے وے حضور دا میلاد کر دے وے تے بدعت تے شرک دا فتوہ لگاؤنا اے بے ایمانی ہے ایمانداری نہیں ہے خیر میں عرض کردہ پاس کہ مسلم شریف دی حدیث امام مسلم نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اور رسل تو الی الخلق کافہ اللہ دا حبیب فرماندہ رب کریم نے ساری مخلوق ول من رسول بنا کے بھیجیا اور اس حدیث نو اسا قرآن دی آیت تے سامنے جس وقت لے جانا قرآن دی آیت اس حدیث نو پیدا کر دی پئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا سارے جہانا واسطے تن رحمت بڑھا کے بھیجیا سمجھ آ رہی یا کوئی نہیں ہن پھر واپس چلیے حضرت شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے یمن وچ میں پردیسیاں تے اجنبیاں کون میری گل سن سی سمجھ سی تے من سی فرمایا نا تو پردیسی کوئی نہیں تو اجنبی کوئی نہیں اے ساری مخلوق میری نوکر ہے
सारी मखलूक मेरी गुलाम है। यकीनन किसी जुम्या दे मौके ते तुसा अल्लामा तौकीर तनवीर साहब कोलो ए हदीस पाक सुनी होसी के सहाबा जंगल विच वेंदे पैन, एक सहाबी विछड़ गए, काफले तो विछड़ गए, काफला अग्गा टुर गया, सामने शेर आया कई दिनों तो भुखा, उस वेख्या एक इंसान है, लंबा तड़ंगा इंसान है, मजबूत इंसान है, गोश्तदार भरे होया इंसान है, भुख अगे ताकत अगे उस कोल, हथियार अगे उस कोल, ते ए बेहथियारा बेहथियारा ते सखना हथ इंसान, शेर दी भुख तां कियामत आर तेज हो गई, सोचन लग पिया ए ता नाश्ते वास्ते भी बहुए, दोपहर वास्ते भी बहुए, ते शामी वास्ते भी बहुए, एडा गोश्त में लग जाना, वो अपनी पूरी तवानाई ते ताकत इकट्ठी करके शेर हजरते सालिम सफीना हजरत सफीना आखिए हजरत सफीना वाल वढ़ दिया कि मैं इन्हें हमला करा और इन्हों मैं चीर फाड़ के इन्हों दुनिया तो मैं रुखसत कर देव। जिस वक्त वह शेर उत्ते वधिया उन्होंने मत्थे ते तरी भी कोई ना, नसना तो दूर की बात, चीकना तो दूर की बात, रोना तो दूर की बात, इंजे ना मत्थे ते तरी भी कोई ना आई। सुभान अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मत्थे ते तरी भी ना आई, तरी भी ना आई, सुकून नाल और इस्तकामत दे नाल सुकून नाल खलोते रहे। जिस वक्त शेर बिल्कुल करीब आ गया, हमला आवर होके बिल्कुल करीब आ गया, हुण बस रत्ती मसे दा फर्क रह गया, उस वक्त हजरत सफीना बोल पे ए गल याद रखी, मैथे हमला करने वाले ते मेरी जान दे दुश्मन बन के आने वाले, मेरा तारुफ एक बारी सुन ल, मेरा तारुफ एक बार सुन ले, आना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई आम इंसान नहीं हाँ, मेरा स्टेटस मेरा वकार ते मेरी शान है वे कि मैं रसूलुल्लाह दे गुलामा चुहा। उन जानवरों नु भी रब्बे करीम ने मकाम मुस्तफा दा नूर अता फरमाया है, ओ समझ भी सुन भी रहा, ओ समझ भी रहा, फिर दुम हिला के अगे अगे तुर भी रहा, ते काफले तक हजरत सफीना नू अपड़ा भी रहा, और सिल तो इलल खल की काफा फरमाया सारी मखलूक वल मैंने रसूल बना के भेजा गया। समझ आउंदी पई या कोई नहीं आउंदी? फिर वापस आना असा हजरत शेर खुदा ने अर्ज की सोनिया उत्थे मैं जानदा कोई नहीं, फरमा ना ए गल छड़ दे, सारी कायनात जानदी, सारी कायनात जानदी, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शेर खुदा हैदर करार हजरत अली नू फरमाया कि जिस वक्त तू यमन वैसे ना पहाड़ा नू भी दीवारा नू भी पानियन भी मिट्टियन भी रेत दे जरिया नू भी दरख्तां नू भी मेरा सलाम आखे, क्योंकि सारी मखलूक वाले रसूल बना के भेजा गया और सारी मखलूक नू मकाम मुस्तफा इज्जत मुस्तफा वकार मुस्तफा और शान मुस्तफा समझाई गई। इस वास्ते हुजूर नू पूरा एतमाद है कि जिस वक्त मेरा सलाम उस मखलूक तक पहुंचेगा वो नियाजमंद गुलामा दी तरह मेरे हैदर दी ड्यूटी शामिल हो जाएंगे। और हैदर करार फरमांदर जिस वक्त मैं उत्थे पहुंचिया जिसनू मैं सरकार दा सलाम देवा अपने इन्ना कन्ना नाल सुना उन्ना तो जवाब आवे वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। समझ आ रही गल? हजरत शेर खुदा को ईसाई आया कि सोने दसो तुसी अपने महबूब दे कोल बड़ा वेला गुजारिया बड़ा वक्त गुजारिया ते बहुत कुछ उन्होंने खजाने चो लुटिया उन्हां दी शान दे बारे तुसी कुछ समझाओ। जितना जितना खुलन हा जितना खुलन हा शेर खुदा खुल सकदे आन। ओ यमन आला मंजर भी अखां च तिरमजी शरीफ दी हदीस है हजरत शेर खुदा फरमांदे मैं अज भी ओ पत्थर ते अज भी ओ दरखत याद नो सोने दे नाल लगदा पिया हुंदा हास ओ सोने नू सलाम भेजदे पए हुंदे आ। शेरे खुदा ये भी दस सकते हैं कि मेरी दीगर दी नमाज कजा हुई ते सोने दे हाथ उठे ते डूबे होया सूरज वापस आ गया। इंजे ना मेरी अख बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि मैंने अपने पैर दा उतना पासा नजर ना आंदा सोने ने सिर्फ थुक लाई रब्बे करीम ने शिफा अता फरमा छड़ी।
तो केड़ी केड़ी बात है जिस तू छेड़न हा हजरत शेर खुदा जिंदगियां गुजर जांदियां। इस वास्ते गल मुकदी मुकाई। उस ईसाई ने पूछया कि तुसा सोने नू वेख्या, सोने दी खिदमत विच हाजिर रहे ते सोने दे खजाने चो फैज हासिल कीता, तुसी सोने दी शान बयान करो, सोने दा मकाम समझाओ। जुमला सुनो, जुमला सुनो। हजरत शेर खुदा ने फरमाया लम अरा मिसलहू कबलहू वला बादहू। फरमाया मैं मुकदी मुकाउन लगा, मैं मुकदी मुकाउन लगा। लम अरा मिसलहू कबलहू वला बादहू। हजरत शेर खुदा ने फरमाया मैं सोने जिया, सोने जिया, सोने तो पहले भी कोई नहीं वेख्या ते पिछे भी कोई नहीं वेख्या। समझ आई या नहीं आई? सोने जिया, सोने तो पहले भी कोई नहीं वेख्या। ए सहाबी रसूल दा फतवा, ए खलीफा ए रसूल दा फतवा। सहाबी रसूल, खलीफा रसूल, खलीफा राशिद, ये उन्ना दा फतवा कि मुस्तफा जिया, मुस्तफा तो पहले भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया, मुस्तफा तो बाद भी कोई नहीं। असी हुण ये वंड करके उठिया है ना, असा खलीफा रसूल ते खलीफा राशिद ते हजूर दे सहाबी दे पिछे टुरना या उस टोले दे पिछे गलती नाल टुर पौना जेड़े आ दिन उनांदे ते साडे च इहो फर्क है। वो देखदे भी आन, वो सुनदे भी आन, वो बोलदे भी आन, वो सौंदे भी आन, वो जागदे भी आन, शादी भी कीती, औलाद भी होई, ये सारा कुछ तो असी भी करदे आ, कोई फर्क नहीं। बस इतना सा फर्क है, उन पे वही उतरती है, हम पे वही नहीं उतरते। दसो असी हजरत शेर खुदा दे पिछे टुरना या किसी और दे पिछे टुरना? फरमाया लम अरा मिसलहू कबलहू वला बादहू। तवज्जो चाहना, हजरत शेर खुदा फरमाने सोने जिया, सोने तो पहले भी कोई ना ते सोने तो बाद भी कोई। मैं हुण हजरत शेर खुदा दा वकील बनूंगा। समझ आई गल? मैं हजरत शेर खुदा दा मैं उन वकील बनूंगा अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी लियाकत के मुताबिक। के हजरत शेर खुदा ने बहु वड्डी गल कर छड़ी, बहु वड्डी गल कर छड़ी। ये तो मेरे दिमाग विच भी गल आउंदी पई। सुनने वाले जेड़े संजीदा बंदे ते बरीकी च बहने वाले बंदे उन्होंने दिमाग विच भी ये गल आउंदी पई ते आउणी चाहीदी कि शेर खुदा ने जेड़ा ये फरमाया कि सोने तो बाद भी सोने जिहा कोई नहीं, ये गल तो मनन वास्ते बंदा तैयार है ना। लेकिन सोने तो पहले, सोने तो पहले, सोने तो पहले सोने जिया कोई नहीं, यानी मुस्तफा जिया आदम भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया शुएब भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया नूह भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया लूत भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया दानियाल भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया जुल्किफ्ल भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया इलियास भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया ईसा भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया मूसा भी कोई नहीं, मुस्तफा जिया इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कोई नहीं। गल समझ आ रही? फरमाया हुजूर तो पहले भी हुजूर जिया कोई नहीं ते हुजूर तो बाद भी हुजूर जिया कोई नहीं। ये गलत असा सारे मान ली कि हुजूर तो बाद हुजूर जिया कोई नहीं, पर आ जिहड़ा फरमांदे पए ना हुजूर तो पहले भी हुजूर जिया कोई नहीं। समझ आउंदी पई है? मैं हुण आखा ना मिसाल दे तौर ते कि हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब सियालवी जिहड़े सियाल शरीफ के सजादा नशीन ते गद्दी नशीन नूं उन्ना जिया उन्हां तो बाद कोई नहीं। हर बंदा अक्सी ठीक है, बड़िया उन्हां दियां शानन, बड़े उन्हां दे वकार नो, जेड़ा आउंदा अपनी जा खाली छड़ जांदा। ये दुनिया की रीत इंज चलती पई। इस वास्ते ये सबक मैं देन लगा निस्बत वालियां नू, निस्बत वालियां नू स्पेशली तौर पर, जेड़ा सामने होवे उहदी कदर कीती करो, उसनू समझिया करो, उहदा मकाम समझिया करो। जिस वक्त वह टुर जांदा उस तो बाद उपजर कोई नहीं आ सकदा। ये बहुत घट है मिसाल, बहुत घट है मिसाल। इसे वास्ते सूफिया ने ते निस्बत वालिया ने अपने मनन वालिया नू ए सबक दिता ते ए गल पक्की पकाई है कि जेड़ा मौजूद है उसनू बहुत कुछ समझो, जेड़ा मौजूद है उन्हूं बहुत कुछ समझो, जेड़ा जा रहा वह जा खाली करके जा रहा, ओ जा पुर करने वाला कोई नहीं, उस लेवल ते उस मकाम ते बाने वाला कोई नहीं। तो मैं आखा ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब सियाल शरीफ वाले जिया हुण भी कोई नहीं, उन्हां तो बाद भी कोई नहीं। जे मैं ये आखा उन्हां तो पहले भी उंज दा कोई ना, तुसी लिहाजन तो चुप कर वैसो, पर अंदर सोच सोचा कोई ना सोच।
इंजे ना भाई बड़े बड़े हस्तियां थे बड़े बड़े बुजुर्ग उन्हां तो पहले हाँ ते इन्हां पीरां इंजे गल अकीदत विच ठेल दित्ती चलो इन्हां दी मर्ज़ी ऐं करके तुसी मुतमैन हो जासो तवज्जो मैं चाहना एक होर गल भी है जे हजरत शेर मैं आखा पीर सियाल मौजूदा जड़े हैं इन्हां तो पहले कोई ना मैं कोई बंदा ये तो सवाल कर सकता ना कि ठीक है जनाब तुसा गल तो कर छड़ी पर यह तो दसो तुसी पहले आओ समझ आई तुसी पहले आओ तुसा कमरुद्दीन सियालवी नू वेखिया ज़ियाउद्दीन सियालवी नू वेखिया मुहम्मद दीन सियालवी नू वेखिया शमसुद्दीन सियालवी नू वेखिया शाह सुलेमान तौसवी नू वेखिया नूर मुहम्मद खरल नू वेखिया फखरे जहां देहलवी नू वेखिया निजामुद्दीन औरंग आबादी नू वेखिया हजरत शेख हसन नू वेखिया शेख मुहम्मद नू वेखिया शेख अहमद नू वेखिया हजरत कमालुद्दीन अल्लामा नू वेखिया नसीरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन चराग दिल्ली नू वेखिया महबूब इलाही नू वेखिया हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज हजरत बख्तियार तवज्जो हजरत बख्तियार काकी नू वेखिया तू मुइनुल मिल्ला वद्दीन खाजा मुइनुद्दीन अजमेरी नू वेखिया उस्मान हारवेनी नू वेखिया तू हजरत हाजी शरीफ जिंदरी नू वेखिया तू अमीनुद्दीन अबी हुबैरा बसरी नू वेखिया तू मशायख चिश्त जेड़े चार नू उन्हां नू वेखिया तू हजरत फुज़ैल इब्ने इयाज नू वेखिया तू इब्राहिम अदम बलखी नू वेखिया तू हजरत हसन बसरी नू वेखिया जिस वक्त तू उन्हां नू वेखिया नहीं फिर तू किवें एक गल कर छड्डी जागदे हो कि इन्ना जिया होर कोई नहीं यो सवाल लेके मैं हजरत शेर खुदा दी कचहरी हाजिर हो गया उस कि हजूर तू समू वड्डी गल कर छड्डी कि सोने जिया सोने तो पहले भी कोई नहीं ते आफताब ते महताब चमकते रहे दुनिया च कदी आदम दी शकल विच कदी नूह दी शकल विच कदी खलीलुल्लाह दी शकल विच कदी कलीमुल्लाह दी शकल विच कदी रूहुल्लाह दी शकल विच हजरत शेर खुदा ने मैं दो जवाब दिते जिहड़े अज दी महफिल विच मैं दस सकने सिर्फ अज दी महफिल विच दो जवाब दस सकसा हजरत शेर खुदा मैंने फरमाया एक जवाब तो यह वे कि सोने जिहा सोने तो पहले भी कोई नहीं ए हजरत शेर खुदा वल्लो मैं विकालत कर दियो जवाब दे रहा हजरत शेर खुदा फरमांदे सोने जिया सोने तो पहले भी सोने जिया सोने तो पहले भी कोई नहीं इस वास्ते कोई नहीं इस वास्ते कोई नहीं इस वास्ते कोई नहीं तू कुरान नहीं पढ़िया लतो मिनुन्ना बिही वाला तन सोरुन्ना लतो मिनुन्ना बिही वाला तन सोरुन्ना कि रब्बे करीम ने सारे नबियां नू सारे रसूलां नू इकट्ठा करके सामने बहा के फरमा छड़िया उन्हांदे कोलो पक्का वादा ले छड़िया जे मेरा यार थोड़े सामने आ जावे तुसा उदा कलमा भी पढ़ लेना ते उदे नौकरी च भी भर्ती हो जाणा समझ आई या नहीं आई क्योंकि सोने नू रब्बे करीम ने इज्जतां अजमतां शानां ते मर्तबे सारे नबियां ते रसूलां नालों वध दित्ते इस वास्ते मैं आखदा पिया सोने जिहा सोने तो पहले भी कोई ना और दूजा जवाब हजरत शेर खुदा ने मैंने आखिया कुरान ही पढ़ तिल कर रसूलो तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद अल्लाह फरमांदा यो आयत मैं खुतबे च पढ़ी तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद अल्लाह फरमांदा ए जिहड़ी रसूलां दी जमात है ना इत्थे मैं गल करन लगा बुजुर्गां दी बोली च सूफियां दी बोली च ते निस्बत वालियां दी बोली च फरमाया तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद अल्लाह फरमांदा असी कुछ रसूलां नू कुछ रसूलां ते दर्जा वधाया कुछ रसूलां ना कुछ रसूलां ते दर्जा वधाया इत्थे निस्बत वालियां ते नूर वालियां ते अदब वालियां साने एक गल दसी जिस वक्त इवजी गल करनी होवे ना किसी वली दी किसी सहाबी दी किसी नबी दे दर्जे दी गल करनी होवे इंज आख्या करो फलाने दा दर्जा फलाने नालों वध है इन ना आखो कि फलाने दा दर्जा घट है ते फलाने दा वध है वेखे ना है आख ईसा का दर्जा बड़ा बुलंदे उन्हें तो हजरत मूसा का दर्जा बुलंदे हजरत मूसा का दर्जा बड़ा बुलंदे उन्हें तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दर्जा बुलंदे इन्हें बुलंदी आले पासे जा वादे आले पासे जा अल्लाह जो भी चाहे फरमावे अल्लाह जो भी चाहे फरमावे साडा अदब दा हक ए वे असी ए ना आखिए कि फलाना थल्ले ते फलाना उत्ते आखिए फलाना उत्ते उस फलाना उस तो भी उत्ते फलाना उत्ते ते फलाना उस तो भी उत्ते तो रब्बे करीम फरमांदा ए रसूलां दी जिहड़ी जमात है असां इहदे विच फर्क रखिया किनां नूं किनां ते
फजीलत दित्ती। अगे रब करीम ने मिसाल समझाई, फरमाया मिन होम मन कल्लम अल्लाह, मिन होम मन कल्लम अल्लाह। उन्हां रसूलां दी जमात चो रब फरमांदे जिन्हां नूं असां फजीलत ते मकाम ते उचेरा दर्जा दिता, उन्हां दी हिक मिसाल देवे, उन्हां रसूलां चो असीं हिकी नाल गलबात भी की। वैसे तो रब सारिआं नाल गल्लां करदा ना, किसी नाल ख्याल नाल करदा, किसी नाल इलहाम नाल करदा, किसी नाल जिबराइल दे वसीले नाल करदा, इंजे ना किसी नाल ख्वाब विच करदा। लेकिन फरमाया मिन होम मन कल्लम अल्लाह, नबियां ते रसूलां दी जमात विच मूसा दी हस्ती ओ हस्ती है जिदे नाल रब रूबरू गल की। रूबरू दा मतलब ए वे कि हजरत मूसा अपने कन्ना नाल रब दी आवाज सुन दे पे। ए दर्जा, ए मकाम, ए फजीलत, ए शान है। इस तो बाद हजरत अली फरमांदे अगला जुमला पढ़, फरमांदे वरफा बादहुम दराजात, वरफा बादहुम दराजात। रब फरमांदा गल करना भी बड़ी शान है, गल करना भी बड़ी शान है, लेकिन वरफा बादहुम दराजात रसूलां ते नबियां दी जमात विच एक उपजिया सोना जिन्हों इतने दर्जे दिते, इतने दर्जे दिते, इतने दर्जे दिते, उन्ना दर्जिया की गिन भी नहीं हो सकती, उन्ना दर्जिया की शान भी बयान नहीं हो सकती। दराजा तीन की जी तनवीन है, नुकता खोलती पई कि दराजा तीन का मतलब ए वे इतने दर्जे दिते, उन्होंने की गिनती भी नहीं हो सकती, जेड़े दर्जे दिते उन्होंने तोल भी नहीं सकी कि उन्होंने वजन कितना। समझ आई? हजरत शेर खुदा फरमाया एक और जवाब भी सुनता जा, जेड़ा मैं ये आखिया ना कि सोने जी आ सोने तो पहले भी कोई। समझ आउंदी पई या कोई नहीं आउंदी? मैं बिल्कुल मुकाऊँ अखीर ते आ रहा, क्योंकि जेड़ी मैं ऐत पढ़ी आई उन्हूं मैं बयान कर छड़िया। तनवीर साहब जानते हैं कि हूँ कितने गल अपड़ी पई। फरमाया हजरत शेर खुदा फरमाते सोने जी आ सोने तो बाद भी कोई नहीं, तो सोने जी आ सोने तो पहले भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। साडी एक किताब है तफसीर, कुरान की तफसीर है, उस तफसीर का ना है मजहरी। के ना है? जेड़े लोग हजूर की शाना सुन के राजी नहीं ते बयान करके खुश नहीं होंदे, इनू गैर जरूरी कम समझते, ते बेमकसद अमल समझते, ते नवा कम ते दीन विच वाधा समझते, वो भी तफसीर मजहरी नू मनदे, वो भी तफसीर मजहरी नू मनदे। उसे जमात दा, उसे जमात दा एक इदारा हिंदुस्तान विच, शहर दा नाम नदवा, शहर दा के नाम है, शहर दा नाम नदवा, इंडिया दे विच शहर है, उहदा नाम नदवा। उत्थे एक इदारा बने होया नदवतुल उलामा, उस इदारे दा नाम है नदवतुल उलामा, नदवतुल उलामा। उन्हां नदवतुल उलामा दे मौलवियां ने, उलामा ने तफसीर मजहरी दा पहला उर्दू दा तर्जमा कीता, दूजा उर्दू दा तर्जमा भेरे शरीफ तो होया। समझ आ रही है नहीं आ रही? चूंकि उस किताब नूं मंदन, उसका मकाम मंदन, उसका तफसीर के अंदर जेड़ा वकार है ते जेड़ा स्टेटस है वह लोग मंदन कि तफसीर मजहरी कमाल तफसीर है, पीढ़ी तफसीर है, ये बड़ी मुफीद तफसीर है, बड़ी मालूमाती तफसीर है। तफसीर मजहरी चौथा सिपारा, कुन तुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमांदा हजूर दे सदके हजूर की उम्मत की तारीफ करना। ये अलग मौजू है, असी अपना मकाम भुला छड़े, असी अपने आप नूं उत्थे ठा छड़े होया कि जानवरां नूं भी साडे कोल शर्मिंदगी आउंदी, असा अपने आप नूं उत्थे ठा छड़िया कि जानवर भी साथों शर्मिंदन। वरना रब तां फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमांदा तुसी सारियां उम्मतां चों बेहतरीन उम्मत हो। समझ आउंदी पई? दुनिया का कोई वडेरा बंदा किसी निक्के बंदे दे बारे चंगा लफज बोल छड़े ते ओ निक्का बंदा सारी जिंदगी उस लफज नू लैके अपना कद उच्चा रखदा, ए है या नहीं? इत्थे रब सोना खुद तेरी तारीफ करदा पिया, तेरा कोई गुर नहीं, तेरा कोई कमाल नहीं, तेरा कोई वकार नहीं, ओ महकदियां जुल्फां दा जेड़ा तू असीर है ते रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ के अपने सीने नू जेड़ा चमकाण वाला है उसका कलाम है। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाजे हयात, तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाजे हयात, अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया, ये तेरा ना होवा तो मैं दुनिया का कुत्ता होवा। तेरे नाल जेड़ी निस्बत बड़ी, तेरी गुलामी का पटा जेड़ा मेरी गर्दन में सजिया, इदी बरकत नाल रब्बे करीम ने भी मैं नाग छड़िया, तू चंगा
कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमांदा तुसी बेहतरीन उम्मत हो। गल समझ आ? ओ तफसीर मजरी जिस बंदे लिखी ना उदा नाम ही थोन दसी जावा, ना है सनाउल्ला। की ना है? काजी सनाउल्ला, बड़े वड्डे आलम ते बुजुर्ग। ते एक गल भी मैं दसी जावा, उन्ना तफसीर दा नाम मजरी क्यों लिखिया? तफसीर दा नाम मजरी क्यों रखिया? कोई और नाम भी तो रख सकते हैं ना, मजरी क्यों रखिया? तवज्जो, इस वास्ते रखिया कि उन्होंने पीर दा नाम मजर, उन्होंने पीर दा नाम हा मजर, अपने पीर दे नाम नाल इतना प्यार है, कुरान दी तफसीर लिखी तो उदा नाम मजहरी लिख छड़। हजरत मजहर जाने जाना दे ओ मुरीद भी हान ते खलीफा भी हान। हजरत शेर खुदा फरमांदे ओ काजी सनाउल्ला पानीपति चौथा सिपारा, कुन तुम खैर उम्मा, ए तफसीर चाह के पढ़, इत्थों गल समझ आ जासी। काजी सनाउल्ला पानीपति आदेन रब फरमाया तुसी चंगी उम्मत हो, अच्छी उम्मत हो, अफजल उम्मत हो, आला उम्मत हो, शाना आली उम्मत हो। तवज्जो, हजरत काजी सनाउल्ला फरमांदे मैं लंबी चौड़ी गल तो ना छेड़ सकदा, पूरे लिस्ट तो ना दे सकदा कि इस उम्मत में केड़े केड़े चौकी दे बंदे होए। हजरत काजी सनाउल्ला फरमाते हैं मैं एक बंदे दी थोन शान सुना छड़दा, बाकी सारी उम्मत ना उसे ते कियास कर लवे, उस हिकी फूल ते सारे गुलशन दा कियास कर लिया है। काजी सनाउल्ला साहब पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ फरमांदे ने इस उम्मत जा हिको जना तू वेख लै जिहदा नाम अली है, मेरी हैरानी दी हद मुक गई, मेरी हैरत जनाब गुम हो गई। काजी सनाउल्ला साहब, काजी सनाउल्ला साहब चिश्ती नहीं, कादरी नहीं, सोहरवर्दी नहीं, ए नक्शबंदी बुजुर्ग नो, नक्शबंदी बुजुर्ग नो जेड़े बंदे सिलसिले नु समझदे ने ते अज कल जेड़ा बंदियां दा मिजाज समझदे ने, जेड़े लोग सिलसिले नु समझदे ने ते अज कल जेड़ा बंदे बंदियां दा मिजाज समझदे ने, हर बंदा दूजे कोलो सड़दा पिया, हर बंदा दूजे कोलो दसदा पिया, हर बंदा दूजे कोलो जैले से, हर बंदा दूजे नु बर्दाश्त करन वास्ते नहीं तैयार। काजी सनाउल्ला कादरी भी नहीं, नक्शबंदी भी नहीं, चिश्ती भी नहीं। मैं एक गल इस तो करदा पिया, कादरियां दा भी प्यो अली है, चिश्तियां दा भी प्यो अली है, सोरवर्दियां दा प्यो भी अली है, नक्शबंदियां दा बाप सिद्दीक अकबर है, नक्शबंदियां दा सरदार सिद्दीक अकबर है। तो सिद्दीक अकबर दे चश्मे तो रूहानी पानी पीने वाला जना हजरत शेर खुदा दी शान बयान करता, पता ए लगा कि उत्तां उत्तां जितने भी नेक बंदे होए, जितने भी रब दे प्यारे बंदे होए, उन्हां दे सीनियां विच रब दी सारी मखलूक नाल प्यार। ओ सड़दे बलने आले नहीं, ओ एक दूजे तो बिजार होने आले नहीं। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह दे मकबूल बंदे दा मैं जुमला अर्ज करदा जावा, इव जियां गल्लां अजकल वारिच किसी दियां नहीं, ना कोई सुनन वास्ते तैयार है, समझण वास्ते भी तैयार कोई नहीं, पर छट्टा तो मार देना चाहिदा, कदी किसी नू जाग आ जाए, कदी किसी नू समझ आ जाए। रब करीम दे एक प्यारे बंदे दा फरमाने आ नक्शबंदी, आए कादरी, आए चिश्ती, आ सोरवर्दी, ए ता सिर्फ तारुफ वास्ते, तारुफ वास्ते, आ जानन वास्ते, जिवें कौमा होंदी ए तारुफ वास्ते ना एन, वरना जमीन दे थल्ले रब दे जितने भी प्यारे सुते पैन सारे मुहम्मदी है। गल समझ आ रही है? तो काजी सनाउल्ला पानीपति ने एडे जिगरे दा मुजहरा कीता, सिद्दीक अकबर दा नाम नहीं कीता हजरत शेर खुदा। लेकिन जेड़ी गल मैं करन लगा ओ तुसा समझनी, हजरत काजी सनाउल्ला फरमांदे कि हजरत शेर खुदा ने उत्थे, हजरत काजी सनाउल्ला फरमांदे हजरत शेर खुदा नू शान वेखो, फरमांदे काजी साहब फरमांदे हजरत शेर खुदा नू करीम ने एडी शान दिती, एडी शान दिती, एडी शान दिती के हजूर दी उम्मत तो पहले, तवज्जो है, हजूर दी उम्मत तो पहले जितनियां उम्मतां इस दुनिया च आईयां उन्ना उम्मतां दे अंदर रब ने जिसनू वली बनाउणा चाया, जिदे सिर ते विलायत दा ताज सजाउणा चाया, उदी मोर भी हैदरे करार कोलो लवाई। इस उम्मत विच तां वली हैदरे करार दी मोर नाल बणना ही है, पर मैं पिछलियां उम्मतां च भी जिहड़ा वली बणिया हैदरे करार दी मोर दे नाल बणिया, पता ए लगा, पता ए लगा
पता ए लगा आज दी मखलूक ता नबी दे बारे समझ दी दीवार दे पिछे दा नहीं पता। काजी सनाउल्ला पानीपति तफसीर मजरी दे अंदर अपना अकीदा ए दसदा पिया नबी ता नबी है नबी दे गुलाम दी भी ए शान है कि रोजे अजल तो जदन तक ए मखलूक दुनिया तो आबाद होई सारी दी सारी अली दी नजरा दे भी सामने है। अल्लाह अकबर हूँ सुन समझिया गल जिस जने दे सामने सारिया उमतां ते सारी मखलूक होवे ओ फिर एक एक नूं वेख के आयो या कि नहीं आए या इस वास्ते ओ हक बजाने बे ओ इस गल दा हकदार ही आखे ला मारा मिसला हो कबलहू वला बादहू सोने जिया सोने तो पहले भी कोई नहीं ते सोने तो बाद भी कोई नहीं। और कुरान दा जुमला इसकी ताइद करता पिया कुरान का जमला हजरत शेर खुदा दी इस गल नूं टेक देंदा पिया फरमाया तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद फरमाया रसूलच हम फर असा फर्क रखिया किसी दी फजीलत उच्ची किसी दी उस तो उच्ची किसी दी उस तो उच्ची अगे जाके सरकार दी फजीलत बयान कीती कि असा अपने सोने नूं सारे नबियां तो सारे रसूलों तो बात समझ आ गई बात समझ आ गई जिस या नबी भी कोई नहीं जिस या रसूल भी कोई नहीं आज दा दो टंगा वाला जानवर उस जिया किवें हो सकदा समझ आई गल जिस जिया नबी भी कोई नहीं अल्लाह दे फरमान दे मुताबिक जिस जिया रसूल भी कोई नहीं आज दा दो टंगा वाला जानवर आखे मैं उस जिया उदे ते मेरे च इतना ही फर्क है उसते वही लांदी ते मैं थे वही नहीं लांदी ए ज्यादती है या नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा नु फरमाया अय्युकुम मिसली इन्नी अभी तो रब्बी फयुतइमुनी व यस्कीनी ऐ अबू बकर याद रखी ऐ उमर याद रखी ऐ उस्मान याद रखी ऐ अली याद रखी ऐ सुलेमान याद रखी ऐ अबू जर याद रखी ऐ सुहैब याद रखी ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर याद रखी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास याद रखी अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर याद रखी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद याद रखी। एक लाख तो ज्यादा सहाबा नु मेरे करीम नबी ने गोया चैलेंज कर दिया फरमा आया याद रखिया है थोड़े चो कोई मेरे यार नहीं हो सकता समझ आ रही जे सहाबा दे बारे हजूर ने ऐलान कर छड़िया कि थोड़े चो मेरे यार कोई नहीं हो सकता अज पंद्रहवीं सदी च दो टंगा वाला जानवर आखे इतना ही फर्क है साथे वही नाजिल नहीं होंदी ते उसते वही नाजिल होंदी असी रसूल दी गल मनी है या दो टंगा वाले जानवर दी मनी है। इस वास्ते अपने अकीदे की इसलाह करो अपने नजरिए की इसलाह करो अपने दिल दिमाग दे विच हजूर दियां इज्जतां दे दीवे पाओ अपने दिल दिमाग विच हजूर दे प्यार दे गुलशन महकाओ हर वो बात सुनो हर उस बंदे की बात सुनो जिदे लबां चो हजूर की तारीफ हो रही हो हजूर की इज्जत ते तौकीर की गल हो रही हो हजूर की शाना की गल आउंदी पई होवे उस बंदे को अपने आप नूं दूर रखो उस बंदे को अपने आप नूं बचा के रखो जिहड़ा तीन तीन घंटे बोल जावे ते सरकार की तारीफ विच एक जुमला भी ना बोले। याद रखो अगर असा अपना ईमान बचाना चाहते हाँ उहदी इक्को ही निशानी है और उहदा इक्को ही हल है उहदा इक्को ही तरीका असी अपने दिल नूं हजूर दे प्यार नाल भर लईए वरना ईमान कभी भी नहीं बच सकता। और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सबक दिता वो मैं ना दे रहा सरकार दे रहे मैं तर्जमान नहीं करता मैं सिर्फ उसकी विकालत करता पिया सरकार ने सबक दिता अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम ऐ मेरे उम्मतियो अपनी औलाद नो नबी दा प्यार सिखाओ जे नबी ने अपने जे आखी इंजे इंजे ना गल गल ना नबी दी घटदी करिए सीने च नबी दा प्यार वधना या थल्ले होना घटना अल्लाह दा हबीब फरमांदा अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम तुसी ते तुसी ओ अपनी औलादी नूं भी नबी दा प्यार सिखाओ ते तुसी ते पता नहीं जलालपुर शरीफ दे रंग विच रंगी गए होसो मुरमोजमाबाद दे रंग विच रंगी गए होसो गोलड़ा शरीफ दे रंग विच रंगी गए होसो बेरा शरीफ दे रंग विच रंगी गए होसो सियाल शरीफ दे रंग विच रंगी गए होसो जे लिल्ला शरीफ दे रंग विच रंगी गए होसो किसी भी रब दे नूरी रंग विच रंगी गए होसो पता नहीं थोड़ा तो कम पार हो जासी बेड़ा पार हो जासी पर सुस्ती की वजह तो
ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਚੰਗਾ ਮਦਰਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਢੇਰ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਆਉਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਸੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਆ ਜਾਸੀ ਅਦਾਵਤ ਆ ਜਾਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਜਾਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਬਾਵਕਾਰ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਅਹੱਬ ਸ਼ਈਅਨ ਫਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰਹੁ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਮਿਡਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਦੋਸਤੋ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ MPA ਬਣੇ ਨਾ ਇੰਜੇ ਨਾ ਕੋਈ MNA ਬਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਔਲਾਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਏ ਅਤੇ ਰੂਹ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਸੀ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਲੂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਈ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਸਲਾਮ ਸ਼ਮਹਿ ਬਜ਼ਮੇ ਉਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਆਜਤ ਰਵਾ ਆ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੁਸ਼ਾ ਆ ਗਏ ਗੋਦ ਮੇ ਤੇਰੀ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਆ ਗਏ ਅਮਿਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਸਲਾਮ ਸ਼ਮਏ ਬਜ਼ਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿਸ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਰਸੂਲ ਯੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਆਜਿਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਔਰ ਹੈਸੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕੇਸਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਔਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਨੇਕ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਫਰਮਾ ਇਸ ਬਾਵਾਕਾਰ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه واولياء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جناب يا رحيم